बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्मे सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफ रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत माजरत, थोड़ा सा लेट लाइव आए हैं क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत के बायस लेट आए, तो इसके हवाले से बड़ी माजरत चाहते हैं। जो नाज़रीन देख रहे हैं उनका शुक्रिया। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आज का टॉपिक जो है 17 रमज़ानुल मुबारक, ग़ज़वा बद्र के हवाले से। और दूसरा टॉपिक जो है बिलखसूस सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक़ा बेटी, सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ा कायनात, महबूबा कायनात और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके हवाले से है। ये बताता चलूं कि कल की गुफ्तगू भी आपके हवाले से थी। और सूफ़ी बासफ़ा, सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी अलैहि रहमा, आपके हवाले से थी। जो अभी तक नहीं देख पाए, मैं उन अहबाब से गुजारिश करूंगा कल वाली ट्रांसमिशन भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके फ़ज़ाइल के हवाले से और इनके साथ साथ किबला पीर सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी अलैहि रहमा, आपके हवाले से आज दो जो है बिलखसूस, एक तो ग़ज़वा बद्र के हवाले से, एक उम्मुल मोमिनीन सजदा पाक आपके हवाले से यौम है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से अपने मेहमानों की जानब बढ़ूँ ताकि सवालात का सिलसिला हो, कलाम भी शामिल करें। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना, और इसके साथ साथ ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा, सुल्तानुल हिंद का लकब जिनको इमामुल अंबिया की बारगाह से मिला हो, उस आस्थाने के खलीफा मजाज भी हैं। खलीफा मजाज दरगाह मौला अजमेर शरीफ इंडिया, हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद आसिम नदीम चिश्ती साहेब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी इंशाल्लाह शुक्रिया जी आपका। नादरीन ये बताता चलूँ कि मुनादर इस्लाम शेर अहले सुन्नत का लकब जिनको पूरी दुनिया में दिया गया, शेर पंजाब ही नहीं शेर अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने मसल के हक अहले सुन्नत के हवाले से काम किया, यूरोप की फ़जाओं में हुजूर का नाम ऐसे लिया कि जैसे लेने का हक है। मेरी मुराद जो है बिलखसूस मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद अनायतुल्ला कादरी रिजवी अलैहि रहमा, आपकी जो मरकज़ी मस्जिद है उसके ख़तीब भी हैं। तो ये हमारी भी खुशकिस्मती है जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, यकीनन मसरूफियत के बायस वक्त दिया। तो आइए इनके साथ साथ बहुत प्यारी शख्सियत जो कि आज एक बार फिर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, जिनके बुज़ुर्ग आलम दीन, जिनके भाई आलम दीन, खुद शायर, अगर नाना जान को देखें वो भी आलम दीन थे, पीर साहब थे, शायर भी थे, और अगर दादा जान को इनको देखें, बाप को देखें, इनके वालदे गिरामी मेरे भी उस्तादी हैं और मैंने उनसे कुरान पाक पढ़ा है, दीनी मसाइल के हवाले से बहुत प्यारी शख्सियत है, हकीम मोहम्मद अफजल साहब, अल्लाह उनको सेहत कामला ता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादीर कायम दायम फरमाए, उनके साहबजादे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोहतशम रिजा नूरी रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या है जी मौलाना, ठीक है जी, सुनाए कैसे रोजे गुजर रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ताला, पता ही नहीं चला मुझे तो, ऐसा महसूस हो रहा है कैसे आया पहला रोजा और 17 रमजान आज हो चुका है, अल्लाह अकबर। देखें ये तो खैर अल्लाह रसूल के करम से ही, असल मेरा रोजे का ताल्लुक है रूहानियत से, रूह से, तो जिस कदर रूह बंदे की अल्लाह रसूल के कर्म से मजबूत होती है उस कदर ही बंदा जो ना इबादत और रियाजत में मजबूत होता चला जाता है, तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कितने गुजर गए और कितने रह गए, वो बस यही कहता है वो जैसे 29 रोज़े हो गए ना एक मरतबा नबी पाक अलैहि सलाम के दौरे पाक में, तो सहाबा किराम ने ये कहा कि काश 30 हो जाते तो, तो करीम आक अलैहि सलातु सलाम ने यह समात फरमाया और मुत्तसिल इरशाद फरमाया, सहाबा तुम परेशान ना हो,
अल्लाह करीम तुम्हें 30 का ही सवाब अता फरमाए। माशाल्लाह नियत कर ली जी तो सवाब लिखा गया 30 का। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ही प्यारी बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मुसलमान मोमिन नेकी का सोचता है फरिश्ते खुद ब खुद उसी वक्त लिख लेते हैं, अगर बदी का सोचता है उस वक्त तक नहीं लिखते जब तक वो बदी कर नहीं लेता। ये हमारे लिए हुजूर अलैहिस्सलाम जो रहमतल लिल आलमीन है उनका फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके दरमियान तशरीफ़ फरमा है जो कि दरस निज़ामी के तालिबे इल्म भी हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहब, बहुत प्यारे नकीब हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप साहब? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाए आपके रमज़ान मुबारक के हवाले से दिन कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे, पहले से माशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक की करम नवाजी है, बहुत मज़ा आ रहा है। और पहले तो रोज़े की कैफियत थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन अब जो है ना वो बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। मैंने नाजरीन एक दफ़ा एक दोस्त से कहा, बल्कि वो मुझे कहने लगा यार आज बहुत गर्मी है, देखो तो सही, ओह बहुत रोज़ा महसूस हो रहा है, लग रहा है। मैंने कहा यार ये क्या, कोई मुझे समझ नहीं आती ये क्यों ऐसा होता है। तो कहता यार ये अंदर की फीलिंग होती है, जिस दिन बंदा अंदर से मजबूत होता है, जितना ईमान मजबूत होता है, रोज़े को जितना भी वो इबादत समझ के रखता है करता है, तो यकीनन वो खुश होता है कि यार आज तो पता नहीं चला, जब अंदर कमज़ोर हो तो फिर महसूस होता है रोज़ा आज मैंने रोज़ा रखा है। तो आइए आज का टॉपिक जो है दो शख्सियात के हवाले से है, आई मीन जो शहदाए बदर हैं उनके हवाले से। दूसरा टॉपिक उम्मुल मोमिनीन सुभान अल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हवाले से है। मैं चाहता हूँ अल्लामा साहब की जानब बढ़ूँ, सवालात करना चाहें आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और अपने सवालात जो हैं लाइव चलते हुए यकीनन आप दे सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी अल्लामा साहब से ले सकते हैं। तो शुरू में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब सैफी साउंड सिस्टम वाले, रिजवी प्रोडक्शन वाले और ABC गारमेंट्स मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इनके साथ साथ जितने भी बरादरान भाइयों ने तामन फरमाया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब ताहिर मुगल साहब जो कि इंटरनेट का काम भी करते हैं, सिक्योरिटी कैमरे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं आज के उन्वान की तरफ। पहले शहदाए बदर जो कि जब ये मारका हुआ था, गज़वा बदर हुआ था सुभान अल्लाह, उस वक्त भी 17 रमज़ान को जुमातुल मुबारक था, आज भी जुमातुल मुबारक है। तो आइए पहले सवाल की जानब सफ़र करते हैं। हज़रत मारका जो बदर है, गज़वा बदर जो है, इसके असबाब क्या हैं, इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? नहमदहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद रब्बे कायनात वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम अज़िल्लाह फत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तशकुरून सदकल्लाहु मौलाना अलअज़ीम। ग़ज़वा बदर और जंग बदर, इसको इस्लाम की जंग अज़ीम कहा जाता है, इस हवाले से कि मुसलमान नहीं थे 313 और मुसलमानों के पास सामने जंग भी नहीं है और उधर कुफार पूरी ताकत से है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने, शम्मे रिसालत के परवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर जिस जवां मर्दी से, जिस जुर्रत व हिम्मत से कुफर के साथ टकराव किया, उनको ललकारा पछाड़ा, वो बिहम्दिल्लाह आज तक उसका असर कुफर पर है। और कुफर जब वाक़ बदर को पड़ता है तो लर्जा पर अंदाम हो जाता है। इसके असबाब जो है वो मैं खुलासा तर्ज करता हूँ। असबाब ये थे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का छोड़कर सरकार यसरब तशरीफ़ लाए, हुजूर ने यसरब को अपने मुबारक कदमों से मदीनतुल मुनव्वरा वल मुकर्रमा वल मुशर्रफ हज़ादाल्लाह शर्फ़ मताज़ीमा नूर वाला शहर बनाया, तो मदीना पाक के अनसार ने जिस तरीके से सरकार का इस्तकबाल किया, फिर हुजूर की खिदमत की और इस्लाम जिस तरह फलने फूलने लगा, वो अपनी मिसाल आप है, कुफर को मजीद तकलीफ़ हुई। अब इन्होंने अबू सुफियान की क़ियादत में एक काफ़िला तरतीब दिया, ऐलान किया कि मक्के के जो बड़े बड़े ताजर हैं एक काफिला तरतीब देते हैं, उसमें अपना माल इन्वेस्ट करें, माशाल्लाह माल भेजें, काफिला जाएगा मुल्क शाम, इराक, ईरान, दीगर ममालक में तजारती काफिला, उससे जो फ़ायदा नफ़ा हासिल होगा उससे हम सामान्य जंग खरीदेंगे और मुसलमानों के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। उन्होंने इसको अमली जमा पहनाया। अबू सुफियान चूँकि उस वक्त की हालत कुफर में थे तो इनकी क़ियादत में किसी ने अपना माल भेजा, कुछ किसी ने अफराद भेजे, बहुत बड़ा माल इन्वेस्ट किया
जब वो काफ़िला निकला तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस सारे मामले की खबर अता फरमा दी। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काफ़िले ने जाना है फिर नफ़ा होना है, उस नफ़े से जब मतलब हमारे साथ उन्होंने टकराना है तो क्यों ना उस काफ़िले का रास्ता रोका जाए। ठीक है, आप रास्ता रोकने की गरज से 70 सहाबा को लेकर निकले लेकिन वो काफ़िला दूर जा चुका था। आपने फरमाया कि अल्लाह की हिकमत इसी में, अब इसके आने का इंतज़ार किया जाए। ठीक है, अबू सुफियान को भी किस तरह खबर हो गई, वो खूब नफ़ा उन्होंने कमाया। जब काफिला वापस लौटा तो उसने लौटने से पहले पहले एक तेज़ तरीन कासिद खत लिखा जी। और मक्के भेज दिया। ठीक है, कि मदीना वाले हमारा राह रोकने जा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो भाई अपना जिसने अपना माल बचाना है वो आ जाए। ठीक है, ये ना हो कि माल भी लुट जाए और आपके अफराद भी मारे जाए जी। अब किसी का बाप गया है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का माल है, किसी का गुलाम है साथ, हर बंदा मतलब उसके साथ वाबस्ता था। कुफारे मक्का ने अपना माल और अफराद बचाने के लिए जी जी उन्होंने ऐलान किया। हंगामी हालत में उन्होंने कहा जी कोई बूढ़ा ना आए, कोई बच्चा ना हो, कोई बीमार ना आए, सूर में आए, बड़े जवान बहादुर किस्म के लोग। 1000 का लश्कर जर्रार अबू जाल की क़यादत में निकला। उतबा, शैबा, उमैया, वलीद बिन मुगीरा, अबू जाल, अबू लहब, ये सारे मक्के के सरदार कुरैश निकले। और सामान जंग इस कदर था कि एक एक बंदे के पास 3-3 हथियार और फिर हिफाजती इकदाम, लोहे की जिरहें, खूद, नेजे, बाले, तलवारें, एक एक बंदे के हिसाब से 3-3 सवारियाँ, ऊँट, घोड़े। और उसकी लश्कर की कैफियत जो उलमाए सीयर ने बयान फरमाई है वो ये है कि रोज़ाना 10-10 ऊँट लगते थे उनको खिलाने के लिए। ये खूब नाच गाने करने वाली वो मतलब औरतें भी उनके साथ थीं, यानी ऐशो इशरत और फाशी और यानी याशी बदमाशी का पूरा सामान साथ था। अब जब ये मकाम जोफा पर पहुँचे, अबू सुफियान उस वक्त चूँकि आलत कुफर में थे, बड़ा जीरक इंसान थे, उसने क्या किया कि किसी और रास्ते का इंतखाब किया और मुसलमानों के हाथों पास निकलने में कामयाब हो गए। ठीक है, उसने खत लिख दिया और काफिला अपना कासिद भेजा कि हम जो है ना बचकर निकलने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब हम ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि मदीना वाले हमारा पीछा भी करें तो हम तक नहीं पहुंच सकते। अबू जाल वगैरह से कहा कि आप वापस मक्का चले जाएं। अबू जाल ने कहा ठीक है भाई आप तो जाएं ना, अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे मदीना। अच्छा, वहाँ पर हम जश्न मनाएंगे, वहाँ पर कत्लो गारत करेंगे, जो हमारे साथ टकराएगा उसको पाश पाश कर देंगे, वहाँ पर मतलब नाच गाने होंगे, मुजरे होंगे, ताकि पूरे अरब में हमारी ढाक बैठ जाए, तमाम कबायल हमसे मरऊब हो जाएं कि खबरदार मक्के के कुरैश और काफरों से कोई टकराया। हम लातुज़ा मनात नाइला हुबल वद नसर यगूस यगूद के मानने वाले, ये तकबर नखवत और बदबख्ती उनको लेकर वो मदीना शरीफ की तरफ बढ़ी। जब मकाम बदर से भी पीछे ही थे तो अल्लाह ने अपने प्याक महबूब अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी। ये थे असबाब जिनकी वजह से फिर ये मार का पेश आया। अच्छा, ये तारक आवान साहब है वो सवाल करते, मैं चाहता हूँ पहले सवाल शामिल कर लूँ मुख्तसर सा कि ग़ज़वा बदर जो है इसका मतलब क्या है, मानी क्या है, इसके हवाले से क्या फरमाया? उलमा सीगर ने लिखा है कि बदर को दो वजह से बदर कहा जाता है जी। एक तो जो कुआं था ना वादी बदर के अंदर, इसके मालिक का नाम बदर था तो बदर का कुआं मारूफ था, भाई बदर के कुएं से पानी लेना है, बदर के कुएं के पास जाना है, अच्छा, पड़ाव करना है। ठीक है, तो जो वादी थी उसे वादी बदर कहा जाने लगा। और दूसरा वाला मैसेज ने लिखा है कि ये बदर का जो कुआं था ना इसकी मतलब वो डायरेक्शन इस किस्म की थी कि जब चांद 14वीं रात का होता ना, 14वीं रात के चांद को चूंकि बदर कहा जाता है, ठीक है, 14वीं रात का जब चांद होता पूरा होता तो पूरी रात चांद का अक्स इस कुएं के अंदर रहता, इस मतलब अजूबे की वजह से इसको बदर कहा जाता। ठीक हो गया, तो जो वादी थी उसे वादी बदर कहा जाने, जो गजबा वहां वकू पजीर हुआ उसे गजबा बदर कहने लगे। अच्छा, जो मैं चाहता हूं कि बाद में शोहदा के नाम लिए जाएं बदर के हवाले से, जो शोहदाए बदर हैं उनके नाम बाद में लिए जाएं, मैं चाहता हूं कि जो उसका जब जंग हो रही थी वो मामला जो थे उसकी थोड़ी सी मंजर कशी फरमा दे, उसके साथ ही आप जो है शोहदाए बदर के जो नाम है जो दौराने जंग या जो उस गजवे में जो शहीद हुए थे उसके हवाले से थोड़े से नाम जो है शोहदा के वो बता दें थोड़े जी। गजवे बदर और मारके बदर का जो अहवाल है ना, यकीनन इतनी रिक्कत आमेज है, एक तो पढ़ के ईमान में ताजगी आती है, ठीक है, रूह को जिला मिलती है। सुभान अल्लाह, शम्मा रिसालत के परवाने नहीते थे, 313 थे, किल्लत में थे और जिनके मुबारक पाँव में जूता है, सर मुबारक डांपने के लिए कपड़ा नहीं है, तन बदन पर पूरे कपड़े नहीं है, अभी 2 साल तो हिजरत करके वो मक्का से आए हैं,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया अपने साहबा को इकट्ठा किया, उसमें कुरैश भी थे जो मक्का से हिजरत करके आए, जिन्हें महाजर थे, और अनसार भी थे। और ये तो नादरीन को पता ही होगा कि महाजर उनको कहा जाता है जो मक्का पाक से हिजरत करके सरकार के साथ मदीना पाक तशरीफ लाए, और अनसार वो थे जिन्होंने हुजूर की मदद फरमाई, खिदमत कह सकते हैं, लेकिन अनसार का माना मदद करने वाला। तो जो महाजरीन का गिरोह था 70 या 60 तादाद थी उनकी, उनके सरदार थे अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला, और जो अनसार साहबा थे इनके भी दो सरदार थे, एक थे साद बिन उबादा और मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह। अच्छा, यह एक और मज़े की बात है, उलमासिया ने लिखा है कि कोई साहबी किसी कबीले का सरदार, कोई अनसार का, कोई कुरैश का, कोई बनु बकर का, कोई बनु खजरज का, कोई बनु नुज़ैर का, अबू बकर ऐसे हैं जो सबके सरदार। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, तो सरकार करीम अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने इरशाद फरमाया, उशीरू, भाई मुझे मशवरा दो, साहबा पा कर्ज के हुजूर आप हुक्म फरमाएं। सरकार ने फरमाया कुफर इतने मुनज़्ज़म तरीके से आ रहा है, तो क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो हजरात, जो साहबा ने जवाब अर्ज किया उसको हफीज़ जलंदरी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, और हफीज़ जलंदरी वो है जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा। बहुत मुहिब वतन, मुहिब रसूल, आशिक रसूल आदमी थे, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। उन्होंने गजवात पर लिखा और बड़ा शानदार और बड़ा जानदार कलाम लिखा है। वो कहते हैं कि मैं एक मरतबा जलालपुर जट्टा इलाका है कोई गुजरात का, कहते वहाँ मैं पढ़ता था अपने उस्ताद ग्रामी के पास, तो मैंने एक दिन उनको ये सरकार की नात शरीफ सुनाई, तो उन्होंने फरमाया कि तू सरकार की नात बड़ी सोनी लिखता है, लोग तेरी नातें पढ़ा करेंगे, और एक वक्त आएगा तेरा लिखा हुआ कलाम जो सरकार की शान पाक में, साहबा पाक की शान में लिखते हो, ये लोग मिंबरों पर पढ़ा करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा में से पहले अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला नुमा खड़े हुए, उसके या रसूलल्लाह अलैहि सलाम आप मशवरा ना लें। मशवरा नहीं कौन सी बात है, ठीक है, आप इन काफरों से टकराने की बात करते हैं, आप जबल गमात की बात करें, हजूर आप हुक्म फरमाए समंदरों के अंदर घोड़े डालने हैं, हजूर हम उसके लिए भी तैयार। हमारा ये फख्र है कि हम गुलामान मोहम्मद हैं, हमें किसी का डर क्या कि हम जेरे दामान मोहम्मद। हजरत मिकदाद बिन असवद खड़े हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैक सलातो तस्लीमात फिदा का उम्मी व आबी व रूही व माली व इरती, या रसूल अल्लाह अलैक सलातो तस्लीमात, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान। हुजूर हम कोई कौम मूसा की तरह के लोग नहीं है कि हम कहें कि मूसा तू जंग लड़िए तेरा खुदा लड़े, ठीक है। हुजूर हम तो मुहम्मदी दस्तरखान पर पढ़ने वाले, हम तो निगाह मुस्तफ़ा के फैजान याफ्ता हैं, हम तो अल्लाह के आखिर उज़्मा नबी ताजदार खत्म नबूवत के मानने वाले हैं। हुजूर जो हुक्म होगा हम वो कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो साहब भाई उनमें से ऐसे ऐसे साहबा भी थे कि जिनके तन बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे, जब निकले 313 को सरकार लेकर, तो उस वक़्त उनके पास 2 घोड़े, 70 ऊँट, 6 जिरहें और 8 तलवारें, और तलवारें भी वो किसी की नोक टूटी हुई है तो किसी को जंग लगा हुआ है तो किसी का दस्ता टूटा हुआ है तो किसी को धार लगने वाली है, तो जिसको तलवार मिल गई फाबे या जिसको नहीं मिली उसने खजूर का डंडा ही ले लिया। अब मदीना पाक के यहूदी दुकानों पर बैठे तंज कर रहे हैं कि मुसलमानों का दिमाग ख़राब है, माशाल्लाह इतनी बड़ी मक्के की वो सुपर पावर से टकराने जा रहे हैं और ये खजूरों के डंडों से भी कभी तलवारों के मुकाबले हुए हैं। तो जवाब हफीज़ जलंदरी ने दिया जो साहबा पाक ने दिया, उन्होंने फरमाया कि न तेगो तीर पर तकिया, न नेजे पर न भाले पर, हमें भरोसा है तो फकत काली कमली वाले। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था, थे जिनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग जहां भर की तकदीरें। जब चले तो सरकार के एक साहबी थे हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला, इतने खूबसूरत थे, हसीन जमील, फतीन मतीन और तवीरुल कामत, अजीमुल जसामत, के जंगे उहद में शहीद हुए तो काफरों ने अफवाह उड़ा दी कि हुजूर शहीद हो गए, यानी इनके हुस्न व जमाल की वजह से, इतने खूबसूरत, और इनकी वालदा ऊँटनी के दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर और कस्तूरी मिलाकर इनकी जुल्फ़ें धोया करती, इतने हसीन व जमील थे, जब चेहरा नजर आता तो यूं होता जैसे चांद चढ़ गया। एक कबीले के सरदार थे, मक्के में इनसे महंगा सूट कोई नहीं पहनता था, 4000 दिरहम का सूट पहनते। जब सरकार के ग़ुलाम हुए तो कबीला छूट गया, जायदाद से आ कर दिया गया, बच्चों ने छोड़ दिया, एक चादर है यमनी उसको तहबंद बनाया, आधी एक कंधे पे है, दूसरा कंधा नंगा है, और खजूर का डंडा हाथ में है और शौक़ शहादत से जा रहे हैं।
तो नबी पाक सरकार ने देखा, सरकार की आंखों से आंसू आ गए, मुबारक आंखें आंसुओं से नम हो गई, गोया कि आंसू नूर की लड़ियां बनकर बह रहे हैं। सिद्दीक पाक अर्ज़ करते हैं, बंदा नवाज, रोने की वजह क्या है? नबी पाक सरकार ने फरमाया, मुझे मुसअब बिन उमैर की तरफ देख कर रोना आ गया। यार इतना मक्के का सरदार था तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में यहाँ तक गुजर गया। जब सरकार करीम अलैहिस्सलाम लेकर निकले तो 12 रमजान था। हुजूर ने फरमाया कि भाई सफ़र भी है, हालत जंग भी है, ठीक है, तो सख्त गर्मी भी है, जो रोज़ा इफ्तार करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन कौन करे रोज़ा इफ्तार? उनकी रूहें मजबूत थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में वो इतने मजबूत हो चुके थे। और इसके हुजूर जान की क्या बात है, जान तो आनी जानी है, हम रोज़ा क्यों इफ्तार करें? तो ये अजीम शान लश्कर जब वादी बदर में पहुँचा तो कुरैश पहले पहुँच चुके थे, कुरैश मक्का। तो मैं अगला फिर इंशाल्लाह मजीद बयान करता हूँ, आप एक कलाम शामिल कर लें। जी बिस्मिल्लाह जी, आइए नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कलाम शामिल कर लें, उसी के साथ इंशाल्लाह ये गुफ्तगू है दोबारा इसी तरह दोबारा यहाँ से ही शुरू करेंगे और कलाम के साथ इंशाल्लाह मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके फौरन बाद फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जी जनाब मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अफजाल जी, कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे जी? मैं हुजूर अलैहि सलातो वसलाम की हम नात पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं? आइए, अलामा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, अगर कोई गलती हुई तो इंशाल्लाह बाद में इस्लाह फरमा देंगे। हुजूर अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह है और मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने हज़रत हसन को फरमाया, हसन आ जाओ मुझे मेरी नात सुनाओ। हज़रत हसन मेरे आका के मिंबर पर, मेरे आका ने फरमाया, हसन आज मिंबर पर खड़े हो जाओ और मुझे नात सुनाओ। तो हज़रत हसन अर्ज करते हैं, सईदी या रसूलल्लाह, कहाँ हसन की जात और कहाँ आप आका? अल्लाह, आप मिंबर पर खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अभी या रसूलल्लाह, व अहसन मिन कलम तरकत अईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा, सुभान अल्लाह, खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल यई कद खुलिकता कमा दशा। पंजाबी में तर्जमा करना चाहूँ तो यूं बनता है कि या रसूलल्लाह कायनात में आप जैसा हसीन है ही कोई, या रसूलल्लाह तुहाडे वर्गा कायनात दे विच सोहणा ही कोई नहीं, या रसूलल्लाह तुहाडे वर्गा सोहणा होवे किवें, क्योंकि तुहाडे वर्गा सोहणा किसी मां ने जमया ही नहीं। ते शायर ने नक्शा खिंचया ते कहिंदा है, हसीन देखे जमील देखे तुम्ही सा बस एक तुम्ही को देखा, हसीन देखे और नसीहतां दा इना जोर क्यों में, मेरे वास्ते ही ए तलकीन क्यों में, मेरे वास्ते ही ए तलकीन क्यों में, तरह तरह दा लोग गुनाह कर दे, जुर्म इश्क दा इना तवील क्यों में, जुर्म इश्क दा इना तवील क्यों में, मैं ते अपने सोने आका ना प्यार पाया, मैनू आखदे होया बेदीन क्यों में, पुछण वालेओ मेथों की पुछ दे जे, पुछो सरकार तो इना हसीन क्यों में, पुछो सरकार तो इना हसीन क्यों में। हजराती गिरामी कदर एक नात इमाम सादी साहब ने भी पढ़ी थी। हजरात आपके अंदाज में सर पढ़ना चाहूंगा कि इमाम सादी रहमतुल्लाह ताला ले आप नात लिखते हैं मेरे आका की, अर्ज करते हैं, गए अर्श पर बड़ी शान से, बलगल उलाबे कमाल ही, हुई रोशनी दो जहान में, कशफत गुजाबे जमाल ही, ये बयान है सारे कुरान में, हसनत जमी व खिसाल ही, तीन मिसरे लिखते हैं, चौथा मिसरा जहन में नहीं आ रहा, परेशान हो जाते हैं, परेशानी की आलम में मिनट गुजरता है, टाइम गुजरता है, हफ्ता गुजरता है, दो हफ्ते गुजरते हैं, अल किस्सा है मुख्तसर, काफी अरसा गुजरता है, लेकिन चौथा मिसरा जहन में नहीं आ रहा। एक मरतबा परेशानी की आलम में रात को सोते हैं, इधर सादी की आंख लगती है, उधर मुकद्दर का सितारा परवाज करता है, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं, और मेरे आका जब हजरत सादी को देखते हैं और फरमाते हैं, सादी आज परेशान हो? हजरत सादी अर्ज करते हैं, फिदा कौमी बाबी या रसूलल्लाह, जी आका परेशान हो? मेरे आका ने फरमाया, सादी परेशानी की वजह क्या है? जब कोई मेरे आका की नात पढ़ता है तो मेरे आका की मोहब्बत देखो, अगर परेशानी की आलम में भी हो तो मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। हजरत हजरत सादी अर्ज करते हैं, जी आका परेशान हो? मेरे आका ने फरमाया, परेशानी की वजह क्या है? हजरत सादी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आपकी नात लिखी है, मेरे आका की मोहब्बत देखो। मेरे आका ने फरमाया, सादी सुनाओ जरा क्या लिखा है, सादी सुनाओ जरा क्या लिखा है। हजरत सादी अर्ज करते हैं, गए अर्श पर
बड़ी शान से बलगल उलाबे कमाल ही हुई रोशनी दो जहान में कशफत जाबे जमाल ही ये बयां है सारे कुरान में हसनत जमी उकसाल ही इधर सादी चुप हो जाते हैं उधर मेरे आका बोल उठते हैं मेरे आका फरमाते हैं सादी चुप नहीं होना आगे पढ़ो सल्लू अलैहि वालही पढ़ो हर घड़ी हर आन में सल्लू अलैहि वालही। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि फकीराना आए थे सदा घर चले हैं। जो भी आपने ये हमारे लिए रमजान शरीफ में ये जो आपने मिशन किया है और हमें इससे बहुत फायदा मिलता है। जो सवाल हम अपनी शर्म की वजह से अना की वजह से नहीं पूछते शर्म आती है उस आप सवाल पूछ लेते हैं और हमें नॉलेज में इजाफा हो जाता है। बहुत आपका शुक्रिया जो आप मिशन लेकर चले हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो भी कारकुन आपके साथ मोहब्बत रखते हैं और किसी भी हवाले से ताउन करते हैं अल्लाह पाक तमाम को दारैन की नेमतों से नवाजे। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं सदा खुश रहो ये दुआ कर चले हैं। हम आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तब तक दिखा। जी सर अभी दिखा दो। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े भी दिखाए। जी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। हम छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मन पसंद वालदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड व्हील मुनासिब दाम फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी चेंज भी हो जाएगी पेमेंट भी मिल सकती है चेंज भी हो जाएगी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3 सांगला हिल जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 03007212658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान। स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय इंटरनेट की क्लासेस दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग प्रिंटिंग शादी कार्ड इश्तहारात HD फ्लेक्स स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा जेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 03216696980 मोहम्मद अमानुल हक 03213613233 मोहम्मद एहसानुल हक 03004389180 ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी कमेटी बाजार सांगला हिल। काफ़ी इल्मी गुफ्तगु सुनने को मिल रही है और ये मुझे मेरे भाई एजाज मुगल साहब हैं बलेर शरीफ से ये बार बार मैसेज इनका आ रहा है। इनके को पास कोई प्रॉब्लम चल रही है कोई मसला है तो कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। तो मेरी दुआ है एजाज भाई ने जिस मकसद के लिए कहा है जिस नेक मकसद के लिए कहा है अल्लाह उसमें आसानी पैदा फरमाए और जो है अल्लाह तरफ जैसे मदद आती है ना मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे मदद आए कि उस परेशानी से निकल जाए। आखिर पर इंशाल्लाह किबला पीर साहब खुसूसी गुफ्तगू फरमाएंगे और गुफ्तगू के साथ साथ आखिर पर दुआए खैर भी आपके लिए यकीनन फरमाएंगे। जी मौलाना आप जो मंजर कशी पेश कर रहे थे कि सहाबाए किराम के पास कितना सामान था जंगी और जो कुफार थे उनके पास कितना था और आपके हौसले कितने बुलंद थे। सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह।
तो बात यहाँ तक पहुँची थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा पाक को लेकर वादी बदर में पहुँचे जी। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि कुफार पहले पहुँच चुके थे, जो ऊंची जगह थी, मजबूत जगह थी, जो जंग के लिए मौजूं और मुनासिब जगह थी, वहाँ पर उनका कब्जा हो चुका था। अल्लाह अकबर। हजरत 1000 अफराद, फिर उनके पास दो दो तीन तीन सवारियाँ, हिन हिनाते घोड़े, बुलबुलाते ऊँट, चलती हुई आग, और उनके नारे क्या वो नारा लगा रहे थे, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास तो खुदा है उज्जा, तुम्हारे पास खुदा कोई नहीं है। जब साहबा पाक पहुँचे, इस तरह के कुफरी शिरके नारे लगा रहे थे कुफार मक्का तकबराना, तो रेतली ज़मीन इलाका इनके वो हिस्से में आया, जगह रेतली थी और जब गर्मी में रेत गर्म होती है, संगलाक चट्टाने, पत्थरों वाला माहौल, अरबों की गर्मी तो मारूफ है, वो तो पत्थर से कर देती है जी। तो जब वो जगह हिस्से आई, कुएं पर भी उनका कब्जा हो चुका था जी। साहबा पाक अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम व तस्लीमात, बड़ा मुश्किल वक्त है। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह की हिकमत इसी में है, यहाँ पर ही पड़ाव डाल दो। जब डेरा लगा दिया, रात का वक्त हो गया, जिस खजूर को खाकर रोज़ा रखा था, उसी खजूर की गुठलियों को चूसकर रोज़ इफ्तार किए जा रहे। ये है नबी पाक सरकार के गुलामों की मान फरोज दास्तानें। जब रात का वक्त हुआ तो कुछ साहबा आराम फरमा रहे हैं, कुछ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। यह बड़ी खूबसूरत बात है जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तस्लीमात ने फरमाया कि जरा देखें कि खुदा नखास्ता किसी का हौसला पस्त तो नहीं हुआ। जब देखा तो शिकवों की बजाय अल्लाह के कुरान की आवाज़ें आ रही। अच्छा, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा, दुनिया में बड़े बड़े कमांडर आपने देखे होंगे, यानी उनके हालात पड़े होंगे जी जी। हिटलर का जुल्म बड़ा मशहूर है, नपोली है, उसके बाद हलाकू खां है, चंगेज़ खां है, जो अपनी फ़ौज को शराब पिलाकर लड़ाते थे, ज़िंदगी और मौत से बेखबर होकर लड़े। तो 1965 की जंग जब हुई तो इंडियन फ़ौजों के मोर्चों से वो शराब की बोतलें निकली, तो हमारे कमांडरों ने सवाल किया उनके कमांडरों से कि ये क्या, उन्होंने कहा जी हम शराब पिलाते हैं, ज़िंदगी मौत से बेखबर होकर लड़ते हैं। कहना भी ये चाहूँगा, किसी कमांडर ने अपनी फ़ौज को शराब पिला के लड़ाया, किसी कमांडर ने अपनी फ़ौज को कंजरियों के नाच गाने और मुजरे दिखा के लड़ाया, कायनात में एक कमांडर आपको नजर आएगा जिसने अपनी फौज को रोज़ा रखवा के लड़ाया है, अल्लाह का कुरान पढ़ा के लड़ाया। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीमात, आप अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, सजदे से कुव्वत हासिल की जा रही है, अर्ज कर रहे मालिक कायनात, अल्लाहुम्मा इन तुहलिकल असहाबा, या अल्लाह मैं ये 313 लेकर आया, या अल्लाह मैं नहीं चाहता इनको बचा ले, लेकिन ये मेरी ये वादिये सफा की तबलीगों का समर है, या अल्लाह ये वादिये मरवा की खिताबात का असर है, अल्लाह मैंने गारों में दुआएं मांगी, मौला मैंने यारों में बैठकर दुआएं मांगी, या अल्लाह हर में काबा में कभी मैंने उमर मांगा, कभी मैंने हमजा मांगा, कभी मैंने बिलाल मांगा, तिनका इकट्ठा किया, मुझे साहिर काहिन जादूगर मजनू दीवाना माजल्ला क्या क्या ना कहा गया, तेरे दीन के लिए माला मैंने सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, मेरी कमर पर ओझड़ियाँ रखी गई, या अल्लाह मुझे मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, या अल्लाह शेब अभी तालब में मासूर रह कर भी तेरे दिन की तबलीग की, अल्लाह मैंने तिनके इकट्ठे कर कर ये 313 जोड़े हैं, मालिक कायनात मैं इनको लेकर आ गया हूँ तेरी बारगाह में, इन तो निकल साहबा, अगर इनको जहाँ में महव कर दिया गया तो लन तो अबद फिल अर्द अबदा, फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, फिर क्यामत तक या अल्लाह तुझे भी रब कहने वाला कोई नहीं होगा। ये सरकार जब ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सिद्दीक पाक फरमाते हैं कि मैं पास खड़ा हूँ, तो मैंने कंधों से हिलाया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह करीम कायनात, आप परेशान ना हों, आपका रब आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, आपका रब आपको कभी रुसवा नहीं होने देगा। फरमाते हैं सरकार ने जब सर सड्डे से उठाया, हुजूर ने यूं हाथ मुबारक उठाए, आपकी मुबारक बगलों से जो सफेदी निकल रही है पूरी वादी बदर को मुनव्वर कर रही है, इतनी खुशबू निकल रही है कि पूरी वादी बदर मुअत्तर हो रही है। तो सिद्दीक पाक फरमाते हैं हुजूर यूं हाथ उठाकर, उनसुरना या इलाही, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। जब हुजूर दुआएं मांग रहे हैं, सख्त गर्मी है, तो सरकार सिद्दीक पाक फरमाते हैं, अचानक नबी पाक सरकार के आत्मार्ग में छड़ी थी, सरकार ने उसकी टेक लगाई, हुजूर उठे, फरमाया या अबा बकर अबशिर कद जा नसरुल्लाह, अबू बकर तुझे मुबारक हो, अल्लाह की मदद आ गई। सुभान अल्लाह। हुजूर कैसे मदद आ गई, फरमाया मूसलाधार बारिश आ गई, मूसलाधार, और इतनी शिद्दत की बारिश बरसी कि जो ऊंची वादी का पानी था पहाड़ों का साफ, वो नीचे आना शुरू हो गया। और मैं इसको हौज बना लो भाई, मट्टी इकट्ठी कर, हौज बना लिया गया, पानी जमा कर लिया गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई, रेत ठंडी हो गई, जम गई, अब वो फिसलने शुरू हो गए। जो साहबी रजी अल्लाह तआला नो जासूसी पर मामूर थे, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, वो तो फिसल रहे,
तो सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया वो अब भी फिसल रहे हैं, कल मैदान जंग में भी। ये अल्लाह की पहली मदद थी जो आई। अल्लाह अल्लाह। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब सुबह अपने साहबा की सब बंदी फरमाई तो बड़ा खूबसूरत मंजर है, सुभान अल्लाह। उस मंजर में जब सब बंदी फरमाई तो दो शहजादे मुअव्वज और मुआज़, और ये तीन, ये इनकी वालदा मुहतरमा का नाम है अफरा बीबी, मैं शुहदा इनका जिक्र करता हूँ जी। अफरा बीबी के तीन बेटे गए थे, दो को शहादत नसीब हो गई, मुअव्वज बचे थे जनाब मुआज़, और एक और आपके भाई थे वो शहीद हो गए, और इनके वालिद का नाम था हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला, ये बदर में उहद में शहीद हुए थे, और ये एक टांग मुबारक से इतने माजूर थे जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना लंगड़ा के चलना, ये इतने माजूर थे, इनका उज़र था। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम मुझे भी शामिल करें बदर। सरकार ने कहा बाबा बूढ़े हो माजूर हो तो आप ना जाए जंग में। अर्ज़ किया हुज़ूर मेरे तीन बेटे भी जा रहे हैं, अच्छा वो भी जन्नत में चले जाएं, दो भाई जा रहे हो भी जन्नत में चले जाएं और मैं पीछे रह जाऊँ, हुज़ूर मुझे शामिल फरमाए। सरकार का हुक्म था, उसको सर का ताज बनाया, सीने का जेवर बनाकर मान गए, लेकिन अर्ज़ किया हुज़ूर फिर मेरे साथ वादा करें, अगर दोबारा जंग हुई तो मुझे आप लेकर जाएंगे। सरकार ने फरमाया ठीक है, अगर दोबारा जंग हुई कुफर इस्लाम की वादा लेकर जाऊंगा। सरकार ने जब वादा फरमा लिया, अर्ज किया या अल्लाह तेरे पाक महबूब कुफर के साथ नबर्द आजमा होने जा रहे हैं, या अल्लाह आज इस अरब की सबसे बड़ी साम्राज्य और कुफर की सबसे बड़ी ताकत के साथ अल्लाह का रसूल टकराने जा रहा है, इन इतने मुसलमान या अल्लाह से जिनके पास बहुत बड़ा सामान जंग है उनके साथ लड़ने जा रहे हैं, ए अल्लाह तो अपने महबूब को फतह अता फरमा, मैं उस शुक्राने में अगली जंग में लड़ूंगा, इतना लड़ूंगा कि मैं शहीद हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह। ये मन्नत मानी जा रही है। अल्लाह। और फिर उहद की जंग में शहीद हो गए थे। अच्छा इनका जिक्र आया, जब शहीद हो गए उहद की जंग में तो जब शहदा की मुबारक जिसमें इकट्ठे किए गए तो उस वक्त इनकी जो मतलब वो टांग मुबारक थी ना वो चूंकि माजूर थी तो वो ऊपर उठी हुई थी, तो साहबा पाक अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम ये अब ये ना आते तो क्या था, अब कुफार तंज कर रहे हैं कि ये मतलब माजल्ला लंगड़ी टांग वाला बाबा। सरकार ने फरमाया कि मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ ये अपनी माजूर टांग से अल्लाह की जन्नत को रौंद रहा है, ये इस तरह चल रहे हैं कि अल्लाह की जन्नत को रौंद रहे। सुभान, ये हजरत अफरा बीबी के दो शहजादे वो टांगे ऊँची करके ना तो बराबर मतलब हो रहे हैं। सरकार की निगाह है नबूवत पड़ी, फरमा भाई आप छोटे हो, उम्र थोड़ी है, तजर्बा नहीं है, आप वापस चले जाएं। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम एक शहजादे ने मतलब जुमला बोला जिसने दरिया रहमत में तलातुम पैदा कर दिए। अर्ज़ के हुज़ूर क्या जंग में सिर्फ कद ही देखा जाता है या जज्बा जिहाद भी देखा जाता है? सरकार ने फरमाया क्या मतलब, बंदा नवाज करीम कायनात वो तो मेरा छोटा भाई है, उसकी उम्र कम होगी हुज़ूर, मेरा कद तो इनके बराबर है। हुज़ूर करीम ने फरमाया चले आपको शामिल कर लिया, ठीक है। छोटा अर्ज़ करता हुज़ूर जिसको आपने शामिल किया है ना मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, हुज़ूर अगर कुश्ती हो तो मैं उसको गिरा सकता हूँ। क्या ईमानी जज्बा है। सरकार तो देख रहे थे कि इनका इरादा क्या है। करीम कायनात नबी अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया चलो फिर लड़ो कुश्ती। जब कुश्ती लड़ने लगे पंजे में पंजा डाला, छोटा बड़े को कहता है तुझे तो हुज़ूर ने सिलेक्ट फरमा लिया, तू तो मुंतखब हो ही गया, निगाह नबूवत में पसंद आ ही गया है, यार तू गिर जाना इसी बहाने हुज़ूर मुझे भी पसंद फरमा लेगी। अब जब कुश्ती हुई यही मामला हुआ, सरकार ने दोनों को पसंद फरमा लिया। जब रिज़्मे अक्को बातल गर्म होता है सुभान अल्लाह, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फिर दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन तुहलिक अलिसाबा या अल्लाह इस लश्कर की हिफाजत फरमा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पहले एक अंसारी साहबी को भेजा, उधर से आवाज़ आई कि हमें अंसार के साथ नहीं लड़ेंगे, उनको भेजो जो कुरैशी हूँ जो मक्के से हिजरत करके हैं नऊज़ बिल्लाह, उन्होंने कहा जो भाग के आए हैं नकले कुफर कुफर नवाशत, उनको भेजो हमारे मुकाबले में। फिर नबी पाक से फरमाया या अली ऐ अली उठो, ऐ हमजा उठो, इनके मुकाबले में जाना है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जिस जमा मर्द से मुकाबला किया, और फिर जब रिज़्मे अक्को बातल गर्म हुआ, बड़ी तफसील है इसमें जी जी, रात सब सरकार वो बात रहेगी दरमियान में, जब हुज़ूर ने फरमाया कि मदद आ गई बारिश हुई, तो सरकार ने फिर कज़ा व कदर की छड़ी हाथ में पकड़ी, हुज़ूर फिर मैदान बदर में आ गए, फरमाया हाजा मजरा फलान, हाजा मजरा फलान, हाजा मजरा फलान, फरमाया अबू जहल यहाँ मरेगा, अबू लहब यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा उमैया वलीद बिन मुगीरा यहाँ यहाँ मरेंगे। अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला की रिवायत फरमाते हैं कि जब जंग खत्म हो गई हमने अपने शहादा के मुबारक जिस्मों को बाद में उठाया है, हुज़ूर के इल्म गैब का कमाल तालब देखा, फरमाते हैं कि जहां सरकार ने निशान लगाया था कोई एक इंच भी आगे पीछे नहीं है,
यानी अबू जाल हो सकता है ना आता मैदान में, वो भाग जाता, अबू लहब ना आता, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बात वही है कि गल जड़ी तेरे मुंह निकले वो तीर है, जेड़ा तू इशारा करे वो तकदीर है। अल्लाह ने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम सलाम को कजा व कदर का भी इल्म अता फरमाया है कि किसने कहां मरना है। तो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा जब नबरदाजमा होते हैं, अपनी अपनी जवा मर्दी के सारे जौहर दिखा रहे हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम सलाम खुद खैमे में है। अब देखें कि 313 हैं, नहीते हैं, चंद तलवारें हैं, वो भी जंग आलूद हैं, और रोज़े की हालत में अक्सर साहबा उधर जर्री और बहादुर और सूरमे किस्म के लोग हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम सलाम दुआ मांग रहे, दुआ मांगते मांगते सरकार ने फरमाया अबू बकर मुबारक हो, अल्लाह का फरिश्ता जबरील मदद लेकर आ गए। 3000 फरिश्तों के पास जबरील पाक तशरीफ लाए हैं, उनके सरों पर जर्द इमामे हैं, और जबरील पाक फरमा रहे अकदिम हैजूम अकदिम हैजूम। हैजूम जबरील की घोड़ी का नाम है, सवारी का नाम है, उस पर सवार हैं, और अल्लाह ने 3000 फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। अच्छा, फिर मज़े की बात है, अल्लाह पाक सबको वादी बदर की ज़ियारत नसीब फरमाए। नाचीज़ ने गुनहगार आंखों से देखा है कि जहाँ पर नज़ूले मलाइका हुआ ना जी, वो जगह सफ़ेद है। अल्लाह, जब मैं पहली नज़र पड़ी तो वो जो हमारा मत मुअल्लिम थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही अकीदा थे, माशाल्लाह। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार कुछ चूना वगैरह फेर दिया होगा। उन्होंने कहा हजरत ये जो नज़र आ रही है ना आपको, ये करीब नहीं है, ये यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता है। अल्लाह अकबर। और कोई 100, 200, 300, 400 फुट नहीं है। जी जी जी। ये कोई 3-4 मील ये इसकी चौड़ाई है। अल्लाह अकबर। और ये चूना वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है सफेदी वाला, ये कुदरत ने सफेदी फेरी है। जब नज़ूले मलाइका हुआ तो ये पहाड़ सफेद हो गया, बाकी पहाड़ का रंग स्याह है या सुर्ख जो पत्थरों का रंग होता है, लेकिन जहां अल्लाह की रहमत और नज़ूले मलाइका हुआ वो जगह सफेद है। फरिश्ते आ गए, साहबा फरमाते हम तलवार बाद में उठाते हैं, काफिर का सर पहले कलम हो जाए। ये अल्लाह की मदद थी जो वादी बदर में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा पर। तो फिर क्या हुआ कि काफिरों के पैर उखड़ने शुरू हो गए। वो दो नन्हे शहजादे आते हैं जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, आगे कहते हैं चचा तू अबू जाल को जानता है? उसने कहा बेटो अबू जाल मक्के का सरदार, वो कुरैश का सरदार, वो तो उसके गिरत फौज का बहुत बड़ा दस्ता है जी। तो आप क्या करोगे उसको पूछकर? उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जनाब वो काफर है, वो बुतों को पूजता है, वो बड़ा खन्नास है, वो रब को नहीं मानता। नहीं, बच्चों ने कहा जी वो हुजूर को गालियाँ देता है, हम उसको इसलिए मारना चाहते हैं कि वो हमारे नबी को गालियाँ देता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मुतरन्नम अंदाज में ये शेर पढ़ दूं। बिस्मिल्लाह, माइक साहब मुझे दे दें। नो प्रॉब्लम जी। तो हजरत माबद और माज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये चिश्ती रंग है जी, इसमें कोई शक नहीं, ये चिश्ती फैज है, और ये जो फैज है ना जी, इसमें कोई शक नहीं, इसी फैज ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाबा जी का फैज, यहाँ पर जो मुसलमान बैठे हैं ना 90 लाख को कलमा पढ़ाया था, ये चिश्ती फैज यहाँ पे नजर आएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, नबी पाक सरकार जब दुआएं मांग रहे हैं तो हफीज जलंधरी शायर ने बड़ा खूबसूरत मंजर पेश किया। सुभानअल्लाह। हफीज जलंधरी शायर कहते हैं, हुजूर अर्ज करती हैं अल्लाह की बारगाह में, अगर अगयार ने इनको जहां से महव कर डाला, सुभानअल्लाह, नहीं होगा फिर कोई तुझको मानने वाला। इलाही अहदे लैलतुल मेराज पूरा कर, मोहम्मद से जो हो चुका वो वादा आज पूरा कर। माशाल्लाह। दोनों बच्चे जब अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि मैंने इशारा किया, वो फरमाते हैं मुझे नहीं याद कि इशारा करके मेरा हाथ पहले नीचे हुआ या पहले पहुंच गया। वाह वाह, सुभानअल्लाह। क्या करोगे? बच्चे कहते हैं सुना मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है वो गालियां देता है महबूब बारी को। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते ने हिफाजत कर रहा है उसके गिर्द फौज का दस्ता। माज फरमाते हैं
कब तलक रोकेगा वो दस्ता मौत का रास्ता। हम गुलामान मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते। सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। साबी फरमा रहे हैं वो आपको मार देंगे, आपको खौफ नहीं आता। वो नन्ना मुजाहिद कहता है हमें ये फख्र है कि हम गुलामान मोहम्मद हैं, हमारा ये फख्र है कि हम गुलामान मोहम्मद हैं, हमें क्या डर जेरे दामान मोहम्मद है। खुदा के नाम पर यकीनन कहते होंगे, खुदा के नाम पर सब कुछ लुटाना हमको आता है, नबी की आबरू पे सर कटाना हमको आता है, और हमारी दास्तां पढ़ लो तुम्हें मालूम हो जाए। आज भी कह रहे हैं वही फायदा रहा है हुजूर का, हमारी दास्तां पढ़ लो तुम्हें मालूम हो जाए। 313 हजार हा का लश्कर है, इधर सामान भी नहीं है जंगी, उधर सामान भी है, इधर हौसले हैं, उधर कुफर है, इधर ईमान है। तो देखिए जरा शायर नक्शा खींच रहा है, हमारी दास्तां पढ़ लो तुम्हें मालूम हो जाए, कफन बांधे हुए मक्तल में जाना हमको आता है, खुदा के नाम पर सब कुछ लुटाना हमको आता है। और शेर का हुस्न देखिए कि हमें माहौल की तारीकियों से क्या डराते हो, हमें माहौल की तारीकियों से क्या डराते हो, नबी के इश्क से जगमगाना हमको आता है। और आखिर में क्या कहते हैं, खुदा के बागियों सुन लो, नबी के दुश्मनों सुन लो। वही आ गया मंजर, जो बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे थे वो ईमान जो लेकर आए मैदान जंग में। खुदा के बागियों सुन लो, नबी के दुश्मनों सुन लो, तुम्हें सफाए हस्ती से मिटाना हमको आता है, खुदा के नाम पर सब कुछ लुटाना। जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू फरमाई मैं नहीं रह सका, खुदा के नाम पर सब कुछ लुटाना हमको आता है, नबी की आबरू पे सर कटाना हमको आता है। आजकल फौज में भर्तियां होती है, उम्र की हद देखी जाती है, कद मापा जाता है, नौजवान की छाती मापी जाती है, फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, दौड़ सकता है, ये मुकाबला कर सक गया दुश्मन का, ये लश्कर कितना खूबसूरत है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा जैसे बूढ़े भी शामिल हैं और मुआवज़ व मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सच कहा था किसी ने कि ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला। मेरे कोई बूढ़ा आ गया तो उसे दामान रहमत जगह मिल गई है, कोई बच्चा शौक शहादत लेकर आ गया तो हुजूर ने उसे भी दामान करम में जगह अता फरमा दी। अब जब पहले 3000 फरिश्ता आया, फिर 5000 फरिश्ते की मदद आ गई, जब गुमसान की जंग हुई, साहबा शहीदों ने शुरू हो गए, तो सिद्दीक पाक फरमाते हैं फिर मैंने क्या देखा कि हुजूर तलवार लेकर खुद आ गए। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार अपने हाथ मार के पकड़ी और सरकार खुद मैदान जंग में। जब सरकार को देखा तो साहबा का जज्बा शायद और बढ़ गया। और अबू जाल और अबू लाब को उमैर नामी शख्स जिनका जासूस था उसके वो लफ्ज याद थे, जब उन्होंने जासूसी के लिए भेजा ना, जाओ देखकर आओ, वापस गया उसने कहा वो तो 313 है, उनके पास तो सामान जंग भी नहीं है, वो दिए बत्ती भी पूरे नहीं है, चंद चूल्हे हैं तो उन पर बारी बार रोटी पका रहे हैं। उसने कहा ठहर जा, वो अबू लाब को बुलाया, उतबा शहबा वलीद बिन मुगीरा सबको, उनका सुनो कितनी हौसला अफजा रिपोर्ट है इसकी। उसने कहा बात सुनो, ये भी बात सुन लो और मुझे मैंने ये भी देखा है। फरमा क्या कहने का, या माशरल कुरैश लाकिन राई तो अल बलाया माल मनाया। उसने कहा मैंने देखा है कि ऊँटनियाँ अपने जिस्म पर मौतें लाद कर रहे और वो उनके तन बदन पर कपड़े पूरे नहीं है, चीथड़े उनके, लेकिन वो सख्मी सांपों की तरह पेचों खम का है। कि कब अल्लाह रसूल के दुश्मन हमारे सामने आए तो हम उनको बसम कर दें, तहे तहे कर दें। उनका कि बेहतर है कि मेरा मशवरा कर रातों रात भाग सकते हो तो मैदान छोड़कर भाग जाओ, ये मौत जिंदगी से प्यार करने वाले नहीं, ये मौत से प्यार करने वाले हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को अल्लाह ने शानदार फतह अता फरमाई, काफरों के पैर उखड़ने शुरू हो गए। सरकार के साहबी थे रज़ी अल्लाह तआला, वो खजूरें खा रहे थे, तो मतलब सरकार ने फरमाया कि उस जन्नत की तरफ बढ़ो
अर्द व समावात व अर्द, जिसकी चुड़ाई ज़मीन व आसमान के दरमियान है, मतलब वहाँ बड़े बड़े महलात होंगे। अर्ज़ किया हुज़ूर इतनी खूबसूरत जन्नत और मैं, मेरे और जन्नत के दरमियान क्या चीज़ है? फरमाया कि तेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है। उनने खजूरें छोड़ी और फिर वो शहीद हो अपना शामिल हो गए। एक और साहबी हैं सरकार के, वो जंग में शहीद हुए तो शुहदाए बदर में उनका नाम है। उनकी वालिदा मोहतरमा आईं, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा जी जी जन्नत में है या कजा व कजा, क्योंकि उनको तीर लगा किसी अपने का ही। बात मारूफ हो गई कि इनको काफर का तीर नहीं लगा, किसी अपने साथी का तीर लगा और ये शहीद नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो उनकी वालदा मोहतरमा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, उनका नाम था हजरत हारिसा बिन सुराका। हारिसा की वालदा अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अगर तो मेरा बेटा जन्नत में है जी जी तो जी फिर मैं खुशी मनाऊं जी, तो अगर मेरा बेटा जन्नत में नहीं है तो कजा व कजा फिर तो मैं रोऊं इसकी मुझे। सरकार ने हाथ रखा सर पे, फरमाया वही यहाँ की उम्मो की तेरी माँ तुझे गुम पाए, जन्नत एक नहीं है आठ हैं, और सबसे आला जन्नत का नाम जन्नतुल फिरदौस है। तेरा बेटा जन्नत में नहीं है, जन्नतुल फिरदौस में है। सुभान अल्लाह। तो खुशियां मना के अल्लाह ने तेरे बेटे को शौके शहादत वाली मौत अता फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबों को जब शानदार फतह हुई, ढेर सारा माल गनीमत आ गया। अच्छा, जब ये अबू जाल तक पहुंचे जी जी उसको कत्ल करने के लिए, उसको मारा पछाड़ा, उसके छाती पर चढ़ गए, कहने लगा कि एक गम है जो मरते वक्त भी मेरे मुझे खाई जा रहा है। उन्होंने फरमाया क्या? कहने लगा काश मुझे, मैं सरदार हूँ, मुझे कोई सरदार ही कत्ल करता था। बच्चों जी, अगर कत्ल भी करना है मेरी गर्दन जब काटने लगो तो नीचे से काटना, ताकि जब गर्दनों के अंदर मेरी गर्दन पड़ी हो तो पता, ऊंची गर्दनों पता चले कि सरदार की गर्दन है। और फरमाया बदबख्ता, ये इज्जतें कुफर से नहीं मिलती, ये इज्जतें हुजूर के दामन से अवस्था होने से मिलती। वो एक साहबी रसूल थे इन दोनों बच्चों में से, हजरत माज़, उनके मुबारक बाजू पर तलवार लगी तो मतलब गोश्त कट गया, हड्डी कट गई और कुछ गोश्त का हिस्सा जो जुड़ा हुआ है, जो मतलब जंग करने में दिक्कत मतलब पेश आ रही है, तो उन्होंने तलवार बाएं हाथ में ले ली, देखा कि ये दिक्कत दे रहा है, उन्होंने हाथ पाँव के नीचे रखा, तोड़कर फेंक दिया। हुजूर के गुस्ताख को मारने के लिए और अल्लाह रसूल के दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए जो चीज़ दरमियान में रुकावट बन रही है, मुझे वो जिस्म का हिस्सा नहीं चाहिए। जब कत्ल कर दिया उसको, अब ये दोनों सरकार की बारगाह में आ गए। एक अर्ज कर हुजूर मैंने कत्ल किया उसको, दूसरा कहता हुजूर मैंने कत्ल किया, मतलब बता रहे थे कि सरकार आप तो शामिल नहीं फरमा रहे थे। देखिए हमने कितने बड़े सरदार को मारा है। करीमे कायनात नबी सरकार मुस्कराए देखकर, सरकार ने फरमाया चले अपनी तलवारें दिखाओ। दोनों नन्हे नन्हे खंजर थे उनके पास, छोटे छोटे, जब दिखाए दोनों को खून लगा हुआ था। फरमाया कातला को मा, फरमाया अल्लाह का रसूल डिग्री दे रहा कि तुम दोनों ने कत्ल किया। इन ये थी सरकार के साहबा की ईमान अफरोज दास्तान, जिसने गज़वा बदर में अजीम शान फतह हासिल की। बहुत सारे मतलब 70 के करीब काफिर मारे गए, उनका सामान जो जंग था और दीगर कीमती सामान था वो गनीमत के तौर पर मुसलमानों के हाथों आ गया, और 14 साहबा को अल्लाह ने जाम शहादत अता फरमाया। उनमें से 6 महाजर हैं और 8 उनमें से अंसार हैं। मैं उनके बरकत के लिए नाम ले देता हूँ, क्योंकि ये वो असाब है, क्योंकि सरकार ने अर्ज़ किया या अल्लाह अगर ये ख़त्म हो गए तो तुझे मानने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर ये मुझे जुमला कहना चाहिए ना, आज जो अल्लाह को सरदे किए जा रहे हैं, आज जो अल्लाह की इबादत की जा रही है, आज जो काबे की रौनकें आबाद हैं, आज जो हरमे काबा के अंदर रौनक नजर आ रही है, कि उन 313 नफूस कुदसिया की बरकत से, अगर वो ना होते तो आज अल्लाह के काबे को कौन जमीनों से बसाता। उन बाबरकत हस्तियों के नाम हजरत उमैर बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला, दूसरे हजरत आकिल बिन अबी बुकैर रजी अल्लाह तआला, तीसरे हजरत उबैदा बिन हारिस, हजरत जुशमालैन उमैर बिन अमर रजी अल्लाह तआला, हजरत मिसजा मौला इबन उमर। मौला के दो माने, एक मीम वाओ लाम अलिफ लाम मौला, उसका माना था मददगार। जी जी। एक छोटी या के ऊपर खड़ी जबर, उसका माना था गुलाम। सैयद फारूक आजम के ये गुलाम थे। और छठे थे हजरत सफवान इबन बैजा रजी अल्लाह तआला। ये 6 जो थे ना, ये मतलब महाजरीन में से थे। तो 8 अंसार में से थे, उनमें से एक हजरत साद बिन खुसैमा, हजरत मुबशर बिन अब्दुल मुनजर, हजरत हारिसा बिन सुराका, हजरत औफ बिन अफरा और हजरत मुअव्वज बिन अफरा, ये दोनों भाई थे। उन दो शहजादों में से एक शहीद हो गए थे। तो हजरत उमैर इबन हमाम, हजरत राफे बिन मुअल्ला, हजरत
इबन यजीद बिन हारिस रजी अल्लाह तआला, ये 14 नफूस कुदसिया हैं जिनके मुबारक मज़ारात आज भी बदर की वादी के अंदर अल्लाह की रहमतों का मंजर मरकज पेश कर रहे हैं। मालिक करीम उन पाक नफूस कुदसिया की बरकत से अल्लाह हमें भी कामिल ईमान बनाए और उम्मत मुसलमा को जज्बा जहाद से अल्लाह ताला सरसार फरमाए, आमीन। इसके इससे पहले कि मैं अगले सवाल की जानब बनूँ मैं चाहता हूँ अलामा मोहतशम साहब तशरीफ़ फरमाए। जी मौलाना, आप क्या फरमाएंगे इस गज़वाए बदर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, क़िबला चिश्ती साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, आपने जान इशारा ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जान इशारे का जो उन्होंने पस मंज़र बयान किया है और जो मैदान बदर में जो जान इशारी के जौहर दिखाए उन्होंने, इसमें मैं आप सरास से ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो ये कहा जाता है कि मुझे काफ़िले से गर्ज नहीं, तेरी राहबरी का ख्याल है। तो इसमें जो हमारे लिए जो सीखने का अमल है ना, वो ये है कि वो क्या चीज़ थी कि जिस चीज़ ने 313 पर मुश्तमिल उस काफ़िले को एक खजूर के साथ रोज़ा रखा और उसकी गुठली के साथ खोलने पर मजबूर नहीं बल्कि मसरूर कर दिया। वो इस पर भी मसरूर है और फिर ऐसे मसरूर हैं कि जैसे अभी चिश्ती साहब कह रहे थे कि वो अगर बूढ़ा भी है वो भी मौजूद है और अगर नौउम्र बच्चा भी है, और फिर ये है कि हज़रत मुआज़ और मुअब्बस रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे। तो देखना यह है कि वो क्या चीज़ थी कि जो उनके अंदर थी कि जिसने उन्हें दुनिया से मुमताज़ कर दिया। तो जब हम मिलकर इसकी खोज में जाएंगे तो हमें सिर्फ एक ज़ात नज़र आएगी जिसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो नाज़रीन मुकर्रम, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात है, ये सोहबत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है जिसने ऐसा निखारा कि वो भूखे रहकर भी वो दीन पर कट मरने के लिए तैयार थे, वो प्यासे रहकर भी दीन पर कट मरने के लिए तैयार थे। आज के इस पुरफितन दौर में ज़रूरत इस चीज़ की है। उस वक्त तो हुजूर खत्मी मरतबत अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे और सोहबतों का ये खूबसूरत निज़ाम जारी वसारी था, लेकिन आज नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मज़ार पुर अनवार में जलवा फरमा है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे पास जलवा फरमा है। हम अगर अपने बच्चों की परवरिश, हम अपने बच्चों को दीन की सोहबत अगर फराहम कर दें तो यकीन जानिए आज हमारी नस्लों में भी वो बच्चे पैदा हो जाएं जो भूखे रहकर भी दीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर पहरा देंगे, जो प्यासे रहकर भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीन पर पहरा देंगे। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि हर एक नफ्स इश्क मोहम्मद का प्यामी कर लो, जिंदगी मिट के मोहब्बत में दवामी कर लो, बादशाह ही है अगर दोनों जहाँ की दरकार, दोस्त आओ मोहम्मद की गुलामी। नाज़रीन, मुख्तसर सी कमर्शल ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं, सिलसिला गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए बज़्म सैफ। हम आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो तब तक दिखाऊं? जी सर, अभी दिखा दूं। इधर दिखाओ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। हम छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मन पसंद वालदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल मुनासिब दाम फिक्स रेट के साथ, हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज इसमें घर वालों को पसंद आए, वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3 सांगला हिल जिला ननकाना साहब, मोबाइल नंबर 0300-7212-658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों, आइए कंप्यूटर सीखिए।
ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए, प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखला जारी है, ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग प्रिंटिंग शादी कार्ड इश्तहारात HD फ्लेक्स स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा जेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 03216696980, मोहम्मद अमानुल हक 03213613233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389180, ब्राइट कंप्यूटर अकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूं। इधर दिखाओ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न आज के गुफ्तगू आपको पसंद आ रही है, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर रहे हैं ताकि ये जो इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो आइए अगले सवालों की जानब बढ़ते हैं। सवाल तो काफ़ी माशाल्लाह आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि सिलसिला मोहब्बत को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज टॉपिक दो है, ठीक है, गज़वा बदर के हवाले से तो काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, एक आखिरी सवाल शामिल कर लेते हैं और दूसरे टॉपिक उसकी जानब बढ़ते हैं। आइए चलते हैं आखिरी सवाल की जानब। मौलाना, गज़वा बदर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, जब जंग के लिए गए थे, ठीक है, वहाँ की जो आपने तर्जमानी कहने के जो अक्स पेश किया वो भी बहुत, उससे ईमान भी ताज़ा होता है और जो मोमिन है मुजाहिद है उनके अंदर जज्बा ईमानी भी है, इसमें कोई शक नहीं। इतनी प्यारी गुफ्तगू। तो गज़वा बदर के बाद आलम इस्लाम के लिए जो नतायज साबित हुए निकले, जो मिले हमें, वो ज़रा थोड़ी सी उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी। गज़वा बदर की जो अजीम शान फतह है, कामयाबी है, इससे जो नतीजा हासिल होता है ना एक मुसलमान को या आलम इस्लाम के लिए, वो यही है कि जज्बा जिहाद हो, शौक शहादत हो, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस से वफादारी हो माशाल्लाह, और अगर ये सारे मामलात हों तो फिर किल्लत के बायस भी बंदा कसरत पर गालिब आ जाता है। वाह वाह वाह। ज़ात मुस्तफ़ा पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीमात के साथ खलूस वफादारी और इताअत अमीर का जज्बा हो तो फिर किल्लत के बावजूद भी कसरत पर बंदा गालिब आ सकता है। वाह वाह। और नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीमात का वो फरमान पाक कितना खूबसूरत है, आपका हर फरमान खूबसूरत है, लेकिन इस हवाले से कि आपने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत के अंदर जज्बा जिहाद मौजूद रहेगा कुफर पर गालिब रहे। वाह। और इसकी बेहतरीन दलील यह है कि जब आपका विसाल पाक हुआ तो विसाल ज़ाहरी के वक्त भी आपके सरहाने 9 तलवारें आपके कमरे में मौजूद थी। अल्लाह। ये पाक अलैहिस्सलाम के, और वो सरकार के साहबा के अंदर यानी कितना जान निसारी का जज्बा था सरकार के साबित उकाशा बिन महसन, मीम हासी मोहसन भी पढ़ा जाता है, इनके जेर के साथ ये जंग लड़ रहे थे, इनकी तलवार टूट गई। जी। जब तलवार टूटी तो फिर आगे उस बारगाह में जहाँ से आ रहे होती है, जो दिलो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन हैं, सुभानअल्लाह, तो बेइज़्निल्लाह हाजत रवा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, बेशक। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, तलवार टूट गई है। अब एक सवाल ये भी था, भाई टूट गई है तो फिर सब्र करो, कोई डंडा शंडा ले लो। नहीं, सरकार के पास खजूर की एक छड़ी थी, हजूर ने अता फरमाया ये ले जाओ, कातिल बिहाज़ल उकाशा, उकाशा इसके साथ जंग का। जब उकाशा फरमाते हैं जब सरकार ने पकड़ाई तो छड़ी थी, जब दस्त अनवर मस हो गया मेरे हाथ में तलवार बन गई। वाह वाह, ये है बरकात। फरमाते हैं फिर उस तलवार से, जिस जमा मर्दी से और जिस मतलब करम नवाजी के साथ मैंने कुफार को डरते और भागते देखा है, वो अपनी मिसाल आप है। फिर ये नहीं कि गज़वा बदर में इस्तेमाल हुई, फरमाते बाद में कई गज़वात में के अंदर मैं उस तलवार को इस्तेमाल करता हूँ, उसका नाम रखा था अल आउन, बहुत सारे गज़वात में इस्तेमाल हुए। जी। एक गुस्ताख नबूवत था, मुनकर ख़त्म नबूवत, तलीहा बिन असदी, इस खन्नास के साथ लड़ने के लिए आप तशरीफ़ ले गए, उस वक्त उसने फिर आपको शहीद कर दिया। तो
तो ये तलवार आपके बार उस वक्त गुम हो गई, वरना कई साल तक वो जो तवर्रुक था सरकार करीम अलैहिस्सलाम का वो चलता रहा। तो मतलब ये है कि सरकार की ज़ात से वफा थी ना, पता था कि हुज़ूर ने जो फरमा दिया वो बात। अगर यही जज्बा जिहाद और सरकार की ज़ात से वफा, जनाब सैयदना अली पाक सरकार ने जब बयान फरमा रहे थे मौत हयात के मामला, तो किसने सवाल कर दी कि हज़रत आप इस तरीके से बयान कर रहे हैं जैसे आपने मर के देखा होता है। आपने फरमाया था कि मैं अली 100 मरतबा या 70 के अल्फाज हैं, 70 मरतबा मेरा विशाल हो, यानी मौत व हयात की कशमकश से गुजरूं, मुझे उतना यकीन ना आए इतना मुझे अपने नबी के फरमान पर। वाह वाह, हुज़ूर ने जो फरमा दिया पर हक है, मुझे इस कशमकश से गुजर कर भी उतना शायद यकीन ना आए जितना सरकार की ज़ुबान पाक। अगर आज भी आलम इस्लाम हम अपना किबला गुंबद खजरा को बना लें, किबले से मुराद है मोहब्बत का किबला, सरकार की हर बात को अर्फ आकर समझें, ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा वाला रिश्ता मजबूत कर लें, इंशाल्लाह आज भी बड़ी बड़ी कुफर की ताकतें जेरे लगी। अच्छा, ये सवाल है बहुत ही दिनों से मेरे जहन में, क्योंकि जो पिछले दिनों मुल्की हालात थे वो आपके पेश नज़र है, तो अक्सर व बेशतर कुछ लिबरल्स जो हैं या जो तौबा नऊज़ बिल्लाह खुदा को नहीं मानते, जिसको मुलहिद टाइप कह लें, तो वो तो अक्सर बेशतर ये कहते जी ईमान जो है, जो आप कहते हैं मुसलमान के जो है ईमान जो है, या इनके मुसलमान जो है ये इस्लाम जो है के जो कहते हैं ना अमन का दर्स देता है, तो ये जंगे बदर जो है इससे क्या सबक है, और ये जो हुजूर का एक ही फरमान सिर्फ लेकर के ईमान जो इस्लाम है अमन का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है, इसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाल। इस्लाम अमन का दर्स भी देता है और अमन कायम करने का हुक्म भी देता है। ठीक है, अमन कायम भी करना है, तो अमन कायम करने की राह में जो रुकावट आएगी उसको हटाना जरूरी है। वाह वाह, इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है कि बदर की जंग है, इतना सख्त तरीन मारका है, सिर्फ 70 काफर मरे, चाहिए तो ये था जब ये कैदी हुए, कैद होके आए उस वक्त सरकार ने मशवरा लिया, जनाब फारूक के अर्ज किया हुजूर इनको तहतेग कर देना चाहिए, अल्लाह रसूल के मुकाबले में आए। ठीक है, सिद्दीक पाक अर्ज किया हुजूर हो सकता है इनकी नस्लों से कोई मुसलमान हो जाए, और इससे बड़ा अमन पसंदी का दर्स क्या हो सकता है कि जारी जमाना नबूवत में 72 या 82 जंगें लड़ेगी बाई खिलाफ रिवाज और उनमें सिर्फ 559 काफर मारे। अल्लाह अकबर, इतनी जंगें, और आज जनाब एक बम मारा जाता है, 2 बंदे मारने मकसूद होते हैं, 500 बंदा बेगुना मारा जाता है। अल्लाह अकबर, ठीक है ना, वो बमबारी से खुदकश धमाके हो रहे हैं। जी जी, इस्लाम की ये गलत डेफिनेशन करते हैं। बहुत अच्छे, इस्लाम कोई दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम अमर पसंदी का मजहब है। बेशक, इस्लाम की अमर पसंदी को आप, अगर इस्लाम ने कुछ कत्ल भी किया है ना, उसकी मिसाल आप यूँ लें, अब ये फसल है, मतलब मिसाल के तौर पर हम चूँकि मादरी फादरी पंजाब मूंजी की फसल है, उसके अंदर एक होता है वो मुजर, उसका डीला उसे कहते हैं, वो मतलब एक बंदा है वो चुनता है, वो निकालता है कि ये इसको फसल को ख़राब कर रहे हैं ना, उनको निकाल निकाल के उखाड़ना शुरू कर, दूसरा वो लेकर वो दत्तरी तो वो सारी इकट्ठी वो काटनी शुरू कर देता है। अब अमन पसंद कौन है जो दरमियान में से जो मुजर चीज़ें वो निकाल रहा है, भाई ये कट जाए और फसल सही तैयार हो जाए। मेरे नबी ने तलवार उठाई या उठवाई तो अबू जहल पे उठी, अबू लहब पे, जो मुजर थे, जो अल्लाह की धरती पर मुअज्जब थे और कौम के लिए नंगे आर थे, वो उनको काट दिया ताकि बिलाल जैसों की खूबसूरत फसल तैयार हो जाए। और अरब के वो बद्दू जो अपने मतलब है कि माओ के साथ निकाह करने को जायज़ समझते थे, वो जो बेटी को जिंदा दरगोर करने पर और कत्ल करने पर फख्र समझते थे, जो जिंदगी से प्यार करते थे वो मौत से प्यार करने वाले बने, और वो पूरी कायनात के मुअल्लिम बनकर उभरे। ये तरबियत मुस्तफ़ा का नतीजा था। जनाब फारूक आजम सरकार एक दिन रोने लगे तो मेम्बरशिप पर बैठे, किसने अर्ज़ किया हज़रत अब तो बादशाही आ गई, अब तो कैसर किसरा ज़ेर नगी है, अब तो ईरान की हुकूमत जो है वो भी आपके मातहत है, अब जो कसदी और ईरान फतह हो गया है, अब आप रोने की वजह क्या है? फरमाया इसी बात ने मुझे रुला दिया है, एक दिन मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 25 ऊँट दिए और देकर भेजा कि बेटा जाओ इनको चरा लाओ, तो मैं हरम काबा के इर्द गिर्द चराने गया, वो 25 ऊँट नहीं काबू आ रहे थे, एक तरफ से उनको मोड़ता वो दूसरी तरफ भाग जाते, उधर से मोड़ता तीसरी तरफ का रुख कर लेते। जब हुजूर की निगाह मुबारक के नीचे आ गया हूँ, निगाह मुस्तफ़ा का ये फैज़ान है कि वो उम्र जो 25 ऊँट नहीं संभाल सकता था, वो उम्र आज आधी दुनिया के मुसलमानों को संभाल कर बैठा, ये हुजूर से वफा कर दीजिए। आज भी हम दर मुस्तफ़ा से लो ले लें, इंशाल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक तराना है खत्म नबूवत, क्योंकि गज़वा बदर
वहाँ से हमें बहुत सारी गुफ्तगू और जज्बा ईमानी और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं एक कलाम, उसके चंद अशार जो कि बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन भी कहा जाता है, जब वो चले गए, मैं तो अक्सर बेशतर कहता था जब ये हैं शायद दुनिया ना माने, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो दुनिया कहेगी ज़रूर, यार बाबा चंगा से असी पीछे रह गए। जिवें अलामा इकबाल फरमाया ना, असी वेखते ही रह गए तो लुहारा का मुंडा बाजी लै गया। गल यही है कि बंदा इको ही आया पूरे आलम इस्लाम में तहलका मचा कर चला गया। तो उस हवाले से, गज़वा बदर के हवाले से माशाल्लाह गुफ्तगू बहुत प्यारी। एक कलाम, तराना ख़त्म नबूवत, चंद अशार और दूसरे टॉपिक पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू शुरू करते हैं कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। मौलाना ये हदीस पाक 1400 साल पहले की है। मैंने तो तकरीबन अपनी ज़िंदगी में जिस शख्सियत को देखा है जिन्होंने मुतारफ़ करवा दी, लोग यकीनन पढ़ते होंगे, पहले भी पढ़ते ही आए हैं सारी ज़िंदगी उलमा मशायख, लेकिन जितनी जुर्रत बहादुरी के साथ बाबा जी खादिम रिजवी साहब ने यह हदीस पाक पढ़ी सुनाई और कुफार को ललकारा है, इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। गुस्ताख नबी की एक सज़ा, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू, अजल से है हर दिल की सदा, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। और शेर का हुस्न देखना मौलाना, दुश्मन सर के बल गिरा, कुफर भी सारा कांप उठा, दुश्मन सर के बल गिरा, कुफर भी सारा कांप उठा, जब भी कहीं ये नारा लगा, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। और शेर का हुस्न देखिए, खत्म नबूवत की खातर जान भी अल्लाह को देकर, खत्म नबूवत की खातर, बाबा जी खादिम रिजवी साहब को सलाम अकीदत पेश करते हुए ये शेर उनकी नजर कर रहा हूं, खत्म नबूवत की खातर जान भी अल्लाह को देकर, खादिम रिजवी कहता चला, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। और शेर का हुस्न देखना, दुश्मन दीन की एक सजा, सर को कर दो तन से जुदा, गाजी कहता सूली चढ़ा, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। अशार काफ़ी हैं, आखिरी शेर से पहले बल्कि चलें दो शेर और कह देता हूँ। बू बकर उमर उस्मान व अली का अकीदा, आहा, बू बकर उमर उस्मान व अली का, दिल में रख के प्यार नबी का, आका का फरमान सुना, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। और जो भी करे गुस्ताखी नबी की उसको सजा ही मिलती रहेगी, जो भी करे गुस्ताखी नबी की उसको सजा भी मिलती रहेगी, इल्मो दी मुमताज कहा, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। और मकता है, इसमें ख्वाहिश भी है, आरजू भी है, दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा ले, जब जन्नत में सरकार चले, सैफ को ये सरकार कहें, जब जन्नत में सरकार चले, सैफ को ये सरकार कहें, नारे लगाता तू भी या, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। अजल से है हर दिल की सदा, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहू। नाजरीन, अलमिया ये है, इस पैगाम के साथ मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पर इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू करेंगे। अलमिया ये है, मैंने तकरीबन आज से एक साल पहले मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब, उनके साथ मेरी एक तस्वीर थी वहाँ पर, सैफ नकाबत और जहान नकाबत उनको पेश कर रहा था। एक साल के बाद फेसबुक वालों ने, यानी यहूदी लॉबी कह लें इसको, आप कुफर को कह लें, कि उन्होंने ऐसा निज़ाम चलाया है जो भी ऐसी तस्वीर अपलोड करता है उनके हवाले से, इतने डरे बैठे इन मुजाहदों से ये लोग, तो उसको फौरन पकड़ ली, आईडी ब्लॉक। अलमिया में पेश करने वाला हूँ। अब बाबा जी खादिम रिजवी साहब वफात पा गए, आपने तो अपने बेगानों ने भी कहा, यार इतनी रोबदार शख्सियत थी, इनके पीछे इतनी खलकत थी, इतनी खिदमत की, यकीनन दिस इज़ अ बिग लॉस ऑफ इस्लाम, ऐसा कहने पर मजबूर हो गए लोग। तो उनके जनाजे की तस्वीर लगाई गई, तो कहने लगे जी पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैंने देखा मेरी आईडी जो है
फिर ब्लॉक कर देगी 90 दिन के लिए। क्यों कुफर इतना तगड़ा है, कहना मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, अलमिया बता रहा हूँ, एक आखिर पर पैगाम भी दूंगा इस हवाले से। फिर मैंने ये तराना जो है मौलाना लिखा अपलोड कर दिया, उसके ऊपर भी उसने पकड़ा मेरी आईडी, फिर ब्लॉक। मैंने कहा यार मैं कहड़ा काम शुरू कर रहा है फिर आईडी ब्लॉक। मैंने फिर सोचा यार देखें हुजूर की खत्म नबूवत का जो जो काम करता है उनके चेहरों को ऐसे फोकस करते हैं, तस्वीर जहां से भी लो जब उनका चेहरा आ जाए फौरन ब्लॉक, आगे ना पैगाम जाए। यहां तक मौलाना मैं तो हैरान हो गया, मनसब्बा नबियन फक्तलूहू, इस हदीस पाक को उतराने को लेकर उन्होंने आईडी ब्लॉक कर दी। पैगाम ये देना चाहता हूं, अगर कुफर आलम इस्लाम के खिलाफ इतना इकट्ठा हो जाता है कि फेसबुक क्या यूट्यूब क्या सारी आईडियां ब्लॉक कर सकता है, तो हम मुसलमानों को क्या मसला है? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई अपना जो है मरकज बनाकर बैठा है। हमें तो आज तक यही नहीं पता कि हमारा मरकज कौन सा है, हमने किस मरकज पर जाकर झुकना और कहना, ये परेशानी है। तो मेरी गुजारिश है जो जो उलमाए किराम पाई उन्हें सिर्फ चिट्टी वाले नु सलाम करना, जिन्हें काली पाई उन्हें सिर्फ काली नु, जिन्हें लाल पाई उन्हें लाल नु, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, जब हुजूर का फरमान पढ़ते हर मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई है, तो फिर पगड़ियों का रौला किधर से आ गया? क्यों मौलाना आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? मेरी गुजारिश यह है आओ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाओ हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, ना कि कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। जी थोड़ा सा पैगाम जारी कर दे, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरे मौजू की तरफ। बहुत बहुत खूबसूरत बात है, ये अहले सुन्नत का अकीदा भी है कि बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दार चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली, हर वली को सलाम करना है। ये सारी सरकार की सुन्नतें हैं, अल्लाह ने हाजूर की हर सुन्नत को जिंदा रखना। सरकार ने स्याही मामा में पहना है, सफ़ेद भी पहना है, नस्वारी भी पहना है, मतलब वो सफ़ेद था तो मुबारक जुल्फों को जब मुबारक जैतून का तेल लगाते उसका रंग कुछ बदल गया था। महबूब अलैहिस्सलाम की हर हर अदा को रब ने जिंदा रखना, बेशक। तो हम अदाओं को सलाम करें, बहुत अच्छा, ये ना शख्सियत परस्ती ना करें, अल्लाह के जो सही अकीदा है उसका हम एहतराम करें। और दूसरी बात यह है कि हमारे रिवाज चल निकला है कि छोटी सी बात होती है गलत फहमी पर, आजकल सोशल मीडिया पर वो क्या कहते हैं, वो जो वायरल हो जाती है वीडियो, नहीं जी वो मिला के गलत कर देते हैं तस्वीर किसी की आवाज की, हाँ जी वो एडिटिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल एडिटिंग, एडिटिंग शुदा आवाज जो होता है उसको लेकर हम जनाब फिर आओ देखते हैं ना दाओ देखते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की पगड़ियों उछालना शुरू कर देते हैं, कहाँ है फलां आस्थान का पीर, फलां हो गया, ऐसे हो गया। भाई आप ऐसे नहीं करें, देखें इमाम आज़म गुनीफा सरकार फरमाते हैं कि जिसमें 69 अलामतें कुफर वाली हों, एक भी ईमान वाली हो, एहतियात करें। यानी हमारे बुजुर्ग तो इतनी एहतियात फरमाते थे, तो हमने भी कुफर के फतवों वाली मशीनें पता नहीं कहाँ से ले ली। थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए, जो सही अकीदा बुजुर्ग हैं आले सुनत अकीदा रखते हैं वो चाहे पगड़ी कैसी भी पहने, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह उनको सलामी करना चाहिए। आप जिसके मुरीद हैं जिसके से वाबस्ता हैं उनका भी अदब करें और बाकी वाबस्तगी वहाँ रखें, एहतराम सबका करें, बहुत अच्छा। और जो पीराने उज़ाम है हमारे उलमाए किराम है, अल्लाह सब आस्थानों को सलामत रखे, वहाँ से भी हमारे बुजुर्गों ने हमेशा दर से इत्तेहाद दिया है, तो मिलना भी चाहिए और ख़ुद भी इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूं। इधर दिखाओ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी इनसे ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक से सिलेक्शन जा चुकी है।
अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाके देख लो बेटा, हम छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मन पसंद वालदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल मुनासिब दाम फिक्स रेट के साथ, हमारा ये है पैगाम जी। अगर आप कोई चीज इसमें घर वालों को पसंद आए, वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3 सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 03007212658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों, आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स डिजाइनिंग प्रिंटिंग शादी कार्ड इश्तहारात, HD फ्लेक्स स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए, और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा जेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 03216696980, मोहम्मद अमानुल हक 03213613233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389180। ब्राइट कंप्यूटर अकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल्स।